हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये ब्लॉग बहुत दिन बाद आया है, तो कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है। घर तो जा ही रहा हूँ, वो तो खुशी है क्योंकि वहाँ पे है एक पपी जो कि जर्मन शेफर्ड है और मेरा फेवरेट है। तो यार उसी के ऊपर ये ब्लॉग होने वाला है, घर जाने का, आने का, सब कुछ और बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग में, देखते रहना। बस चलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत होती है 4:30 पर जाकर, जिसमें हमने सबसे पहले किया ब्रश और टी शर्ट पहन के चल दिए भाई सीधा जिम की तरफ, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाते ही भाई हमने आज बैग मारी, तो हमने सबसे पहले मारा ये वाला और उसके बाद फिर मारा ये वाला और फिर उसके बाद हमने मारा ये वाला और फिर हमने ये वाला मार के हमने कर दिया खत्म। और हम चले गए भाई घर पे, जल्दी से हमने किया ब्रेकफास्ट क्योंकि हमारी बस का टाइम हो रहा था। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए सीधा बस की ओर। और आगरा पहुंचते ही सबसे पहले पी भाई मैंने लस्सी, जो कि मेरी फेवरेट है गर्मियों में। और घर जाने के बाद जो मुझे मिला वो ये था। तो इसके साथ भाई मतलब देख रहे हो किस तरह से मतलब खेलता है। और खरबूजे का तो इतना ज़्यादा दिमाग है कि इधर उधर खरबूजा खाता है, ये सब्जियाँ खाता है क्योंकि हम इसको कुछ देते ही नहीं है। और हड्डियाँ तो मिलती नहीं इसको, तो क्या मिलता है इसको पता है? लकड़ियाँ, इनको ही खाता रहता है सारा दिन, यही काम है। तो इसके साथ भाई थोड़ी सी मटर गश्ती करने के बाद हम निकल गए सीधा खेतों की तरफ। यस, हमारे पास खेत भी हैं तो इसीलिए हम खेतों पर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई थी और भाई खीरा खरबूजा और ये सारी चीज़ें थी, तो हमने सोचा लाओ एक बार घूम कर आया जाए। तो शेखर और मैं आए, तो शेखर बोल रहा है कि खरबूजे तो मैं ही ढूंढूंगा बढ़िया, क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस आई थिंक, और मैं तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद शेखर ने कुछ खरबूजे तोड़े। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर खरबूजे जो थे वो यार कच्चे थे, तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो ये सारे हमने खरबूजे तोड़ लिए। फिर उसके बाद हमने देखा ट्यूबवेल चल रहा है यार, तो ट्यूबवेल की तरफ गए और वहाँ पे पानी पिया। हाँ, क्या मज़ा आया, सीरियसली बहुत दिन बाद ट्यूबवेल का पानी पिया था। इसके बाद हम भाई ब्लॉगिंग वाला एक्टिंग करते हुए निकल गए अपने घर की तरफ, क्योंकि शाम होती जा रही थी और घर पे जाना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे वापस भी जाना था नोएडा। तो नोएडा के लिए निकलने से पहले मैंने सोचा चीनू के साथ वापस से थोड़ा सा मटर गश्ती कर लेता हूँ, टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितने दिन बाद आऊँगा। फिर मैंने किया भाई वापस से इनको टड़प बाय बाय और निकल गया मैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि मुझे शेखर छोड़ने आया था। रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ फतेहपुर सीकरी में रेलवे स्टेशन है। तो क्या, मैंने शेखर को भी किया भाई बाय बाय और निकल गया मैं अपना आगरा की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ से बस पकड़ना था। और भाई ट्रेन में मैं बहुत दिन बाद बैठा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और सीरियसली जब मैं वहाँ पे पहुँचा नोएडा, तो इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो हम आए और सेक्टर आई थिंक 89, पता नहीं कितना है, मैं सेकंड टाइम आया हूँ इधर। और मैम का बर्थडे है, तो फर्स्ट टाइम हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैम से एक बार बात करेंगे और देखेंगे क्या उनका रिस्पॉन्स है हमारे लिए और क्या कहना है। तो महेश, अभी मैम से पूछेंगे वो एक्साइटेड है हमारे लिए या फिर उन्हें कंपनी पसंद नहीं आ रही हमारी, राइट? ओके, 100%। चलो तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि जब मैं फतेहपुर सीकरी से नोएडा के लिए आ रहा था, तो मैम का मेरे पास फ़ोन आया, वो बोल रही थी आज मेरा बर्थडे है, तो 12 बजे हमें सेलिब्रेशन करना है और सारे टीचर्स को एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम आ गए एक लोकेशन पे और मैम खुद ही लेके आई थी, और सीरियसली बहुत ही अच्छी लोकेशन थी ये, मतलब कोई भी यहाँ पे आ सकता है। नोएडा का सेक्टर मैं मेंशन कर दूँगा इसमें कौन से सेक्टर में है ये। और देखिए भाई, जैसे ही हम यहाँ पे आए, तो सर ने मैम के लिए क्या ही मतलब फायरवर्क्स के लिए वो दे दिया भाई, एक सरप्राइज हो गया मजेदार। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आज? आज एक्चुअली मेरा 12 o'clock पर केक कटेगा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार मैं अपने टीचर्स के साथ, स्टूडियो के टीचर्स हैं उनके साथ सेलिब्रेट करूँ। यूजुअली मैं फ्रेंड्स के साथ ही करती हूँ, टीचर भी हमारे फ्रेंड्स। यो ग्रेट। तो यार हमने जल्दी से ऑर्डर दिया क्योंकि बहुत बुरी तरह से हमको भूख लगी थी, और सीरियसली जब भूख लगी होती है तो खाना आते ही टूट पड़ते हैं, और ऐसे ही हम टूट पड़े। और फिर क्या यार, केक काटना बाकी था, वो हमने केक फटाफट से कट किया और मैम को किया हैप्पी बर्थडे विश वापस से। और आज का दिन बहुत ही मस्त था यार, सच में। ओके, तो पार्टी ओवर हो गई और बर्थडे खत्म, लेकिन हाँ आज शुरू होगा, बर्थडे खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत मजा आया मैम की बर्थडे, आग लगा देंगे।
तो बिना कोई समय बर्बाद करते हुए हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसीलिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और ऐसे ही बीच बीच में ब्लॉग आते रहेंगे। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।